गाइस वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज मैं बहुत टाइम बाद एक व्लॉग बना रही हूँ, डेली व्लॉग, क्योंकि मैंने इसकी वजह आगे बता दी है। और आज है ईद, जिस दिन मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन ईद है। तो आप सभी को ईद की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ पे आज संडे का दिन है, तो नहीं आइए सैटरडे का दिन है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि मेरे पापा की छुट्टी है। तो मैंने तेल में पहले आलू और मिर्ची को फ्राई कर लिया। मैं ये अपने तरीके से बना रही हूँ, मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग वैसे भी मस्टर्ड ऑयल में ही खाते हैं। उसके साथ बनाऊँगी चाय, प्रॉपर स्पेशल चाय जैसे बनती है ना, इलायची विलायची डाल करके वैसी। तो जब मैंने फ्राई कर लिया, बॉयल्ड आलू था वो, तो इसमें मैं डालूँगी राई, और राई को जब अच्छे से स्प्लैटर हो जाएगा तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता, प्याज, मिर्ची, और मैंने प्याज का ना अमाउंट ज़्यादा रखा है क्योंकि मैं कांदा पोहा टाइप का कुछ बना रही थी। इस वजह से बस इसको हल्का से सॉटे करूँगी, इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डलेगा। तो जैसे ही हल्का से पिंकिश टाइप का हो जाए, ज़्यादा उसे भूनना भी नहीं है, उसी में हम ये अपने फ्राई किए हुए आलू भी डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, और उसके बाद डालेंगे हल्दी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पीला पीला पोहा ही अच्छा लगता है। आपको कैसा पोहा पसंद है, कांदा पोहा, नाशिक पोहा, या फिर शेंगदाना पोहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज़ बताना। या आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है वो भी बताना। तो मैंने इसी में डाल दिया नमक, क्योंकि ऊपर से फिर नमक डालते हैं ना तो वो मिक्स नहीं होता अच्छे से। मैंने एक तरफ पोहे को धो करके रख रखा था, तो बस मैं अभी इसे मिक्स करूँगी। और जब भी आप पोहे को कढ़ाई में डालें ना, तो मेरा मानना यह है कि आप कढ़ाई की जो फ्लेम है ना उसे तेज़ आँच पर, वरना वैसे लगने लगता है नीचे हल्का हल्का। तो बस यहाँ पे हमारा पोहा हो रहा है, उधर हमारी चाय उबलने वाली है, हमारा परफेक्ट नाश्ता जो है संडे का एकदम रेडी हो गया है। और बस अब मैं इसे सर्व करूँगी मेरे स्टाइल में। तो ये मेरा पोहा है तो मैं इसे मेरे स्टाइल में सर्व करूँगी, बहुत अमेजिंग। आई गेस सब ने ऐसे ऐसे करके खाया होगा, मैं अपने बता देती हूँ। तो मेरे से ना स्पैचुला से चल ही नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे दूसरा ले लिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्राई किया हुआ आलू और मिर्ची को ऊपर से डाल दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने पोहे को निकाला, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ बारीक प्याज, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी वो जो आती है ना, मेरे पापा खूब सारे पैकेट्स लाए थे 10-10 रुपए वाले आलू भुजिया के, तो मैंने उसमें से एक शैशे खोल लिया, क्योंकि ना वो फिर ना सबको कम ज़्यादा लगता है, इसलिए मेरे पापा पैकेट्स में ले आते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे ट्राइपॉड का टांग भी आ रहा है, तो उसको इग्नोर कर। तो पोहा हमारा एकदम रेडी हो गया है, बस मैं यश और मम्मी को दे दूँगी, क्योंकि यश का ट्यूशन था सुबह सुबह का। मैं आ गई अपना पोहा और ये सारा ले जाके, मैं दूं रिव्यू। शट अप दीदी, चुप रहे। और ये रही मेरी चाय, मैं दीदी सच्चा रिव्यू, वेरी वेरी वेरी। चुप रहा, तूने ठंडा खाया था, मैं गरम करके लाई हूं। झूठी बोल रही है, सर कुछ नहीं बना रहा। मुझे याद है एक बार हम लोग मुंबई गए थे, फैंस मुझसे गुस्सा ना हो जाए, फैंस आपको ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे याद है मैं मुंबई गई थी, मतलब मैं अकेली नहीं गई थी, मेरी पूरी फैमिली मुंबई गई थी शादी में। तो ना वहाँ पे मैं पोहा दिया गया, पोहा ऑलमोस्ट सारा अच्छा था, बस वो मीठा था। एंड हम लोग ना एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि वो मीठा है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में ना कभी भी किसी भी चीज़ में इतना मीठा नहीं खाते। पोहे जैसे स्पेशली मतलब हम लोग प्याज और ये भुजिया वुजिया डाल करके और टेस्टी, बट वो बहुत अच्छा था, मैं तुम्हें मीठा था। और आज मैं कितने टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ, कितने टाइम बाद, जैसे मैं सोचा कि आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बनाती हूँ, पोहा चाय। और लंच में हम लोग कुछ सोच रहे हैं अभी क्या बनाएं। और मैंने आज सबसे लेट नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी 2 हफ्तों से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आज मेरी पैम्पर माई सेल्फ था कि मैं अपने आप को थोड़ा ना इसे रिलैक्स करूँ। थोड़ा मैंने स्किन रूटीन किया, थोड़ा से हेयर रूटीन किया, और शैम्पू वम्पू किया। एक्चुअली अगर आप मेरा स्किन और हेयर रूटीन देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट ही दे दोगे ना, मैं पूरा बता दूँगी, बट आज मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। और ये अपना पोहा चाय खाते हैं, पोहा चाय ना हमने लॉकडाउन में बहुत खाया, बहुत ज़्यादा। एक टाइम पे ऐसा था कि हमें पोहा से नफरत हो गई थी लॉकडाउन में। पहले तो ये जो फ्राइड मिर्ची होती है ना,
मैंने अभी पोहा फिनिश कर लिया और क्योंकि हम लोग बाहर एक मूवी देख रहे थे तो मैं वहाँ चली गई. तो मैं ये इसीलिए आज मैंने व्लॉग बनाया कि मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं किया था जस्ट बिकॉज मेरे घर का वाईफाई ख़त्म हो गया था. और वाईफाई ख़त्म इसलिए हुआ था क्योंकि हमारा जो भाई है वो रात रात भर बैठ के वो वीडियो गेम्स होते हैं ना जो आजकल से जूम 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 करके खेलते हैं वो खेलता था. तो अभी क्या है काफ़ी दिन से गैप होने की वजह से उसकी आदत छूट गई एंड उसके एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए हैं तो उसने वो सभी छोड़ दिया, सन्यासी हो गया बिल्कुल गेम्स वगैरह से. तो हम लोगों ने अब जाके वाईफाई रिचार्ज करवाया है एंड मेरे पे टाइम भी बिल्कुल नहीं मिल रहा था कोचिंग से घर से कोचिंग, तो इस वजह से भी. और मैं कोचिंग में अपना व्लॉग शूट करने वाली थी, मैं अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करने वाली थी अपने व्लॉग्स में. तो कोई ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं बनी पर मेरी जो भी बनी ना आजकल बहुत अच्छी बनी है. तो मैंने सोचा उन सबको मैं इंट्रोड्यूस करूँ और पर मैंने कैसे करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे ना सारे बच्चे एकदम फोकस आते हैं. तो अगर मतलब मुझे दो तीन क्लिप्स भी मिल जाए ना तो भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. तो बस अभी मैं देखती हूँ मैं करने वाली थी बट हाँ मेरा फ़ोन घर पे छूट गया था इसलिए मैं कर नहीं पाई थी. तो अभी चलते हैं लंच की तरफ. आज मैं प्रॉपर अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी क्योंकि भाग दौड़ में पता नहीं चलता था क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही. तो आज मैं बना रही हूँ चाप चावल रोटी, ये मतलब सारा मैं नहीं बनाऊँगी थोड़ा बहुत मैं. तो यहाँ पर आ गए हम लोग दोबारा से किचन में. मैं आज बना रही हूँ मसाला चाप और जैसे जैसे मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर लिया वैसे वैसे मैं दिखा दूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में कर नहीं पाई. और क्योंकि हमारे घर में चाप ना मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को ठीक लगती है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को अच्छी लगती है. ठीक इसलिए बोला क्योंकि मम्मी और पापा को 50-50 लगती है. तो यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर लूँगी, उसके अंदर मैं डालूँगी दो लाल टमाटर. इट्स अप टू यू आप कितना अमाउंट बना रहे हैं. और एक तरह मेरी चाप भी तेल में फ्राई होगी. मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और पूरा तल नहीं रही, मतलब मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही क्योंकि वो फिर ना प्रॉपर ऐसे तेल सा आ जाता है और फिर वो हेल्दी भी नहीं होता. तो कभी कभी हो गया तो हो गया. उसके बाद मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन इट्स और थोड़ा ब्लैक पेपर, जो जो आपके घर में मसाले हो ना वो डाले ना. मैंने बड़ी इलायची डाली नहीं, मैं इसे तेल में डालूंगी. और उसके बाद मैंने इसमें डाला है दो लौंग और कुछ मिर्ची और बस जो जो और हाँ थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स भी डाल लेना आप लोग क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे घर में जो जो मसाले अवेलेबल होते हैं वो मैं डाल लेती हूँ, नहीं होते तो इससे कोई वो नहीं करती क्योंकि लॉकडाउन में हमें सिखा दिया कि जो सामान अवेलेबल है उसको लो और डालो. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोरिएंडर सीड्स भी डाल रही हूँ, साबुत कोरिएंडर सीड्स. उसके बाद यहाँ पे हमारा चाप अच्छे से फ्राई हो रहा है, तब तक मेरा मसाला भी रेडी हो गया है. मैं इसे बंद करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर हमारी ये देसी चॉपर मशीन है उसमें मैं ये डाल दूँगी अपना चॉप करने के लिए प्याज. मैंने यहाँ पे 4-5 प्याज लिया है फॉर अ गुड ग्रेवी और अ थिक ग्रेवी. पर मेरे से ना एक भूल हो गई थी चाप बनाने में, वो ये कि मेरे से पानी ज़्यादा डल गया था, आई डोंट नो वाई. और यहाँ पे हमने घर में जमाई हुई दही रखी हुई है तो ये दही भी मैं इसमें डाल दूँगी. इसमें थोड़ा सा हल्दी मिर्च डालूँगी और उसे अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी, गर्म में ही चिपक जाता है अच्छे से. उसके बाद सेम कढ़ाई में तेल लिया, तेल में डाला जीरा, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता. तेज़पत्ता मुझे खाने में भी अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद मैंने डाला ये चॉप किया हुआ प्याज, खूब सारा प्याज डाला और उसको अच्छे से हम फ्राई होने देंगे, उसका अच्छे से जो मॉइस्चर है वो निकलने देंगे और प्रॉपर ब्राउन करेंगे, जलाना नहीं है ब्राउन करना है. उसके बाद जब वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब हम आगे अपना रेसिपी बताएंगे क्या कर रहे हैं. तो जब मैंने इसमें कुछ स्लिट की हुई हरी मिर्चियाँ भी डाल दी थी. उसके बाद जैसे ही हुआ मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च फॉर अ गुड कलर. मैंने ऑरेंज वाली चाप इसीलिए ली थी क्योंकि आज अब की मुझे ऑरेंज वाली चाप खाने का मन था. बहुत सारे लोग कहेंगे कलर होता है या कुछ भी, बट वो ही तो है एकदम ऑथेंटिक चाप. और यहाँ पर मेरा मसाला जो था वो भी हम लोगों ने अच्छे से, मैं देख रही हूँ कि अच्छे से बारीक पिसा है कि नहीं, इसमें कुछ गार्लिक पीसीस रह गए थे. तो यहाँ पे ये हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है. और क्योंकि मेरी दीदी किचन में आ गई थी तो वो पता नहीं क्यों मुझे ट्राईपॉड हिला देती है. तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर ऑयल जो है वो निकल गया है मसाले से. बस इसमें मैंने थोड़ा सा ना गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था तब मैंने इसमें डाला दही, उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई थी और अच्छा लग रहा था, एकदम बाहर हो रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था. बस इसमें नमक डाला है मैंने जैसे ही वो ग्रेवी हो गई. उसके बाद मैंने डाल दी मैरिनेशन की हुई चाप, कम से कम इसको 15-10 मिनट हो गए होंगे तब मैंने डाला. और हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी सामान मसाले में डालें तो आप ना फ्लेम जो कि आँच जो है वो तेज़ कर दें. मैं कह रही हूँ फ्लेम की आँच, मतलब फ्लेम तेज़ कर दें. और एक तरफ हमारा राइस भी हो रहा है क्योंकि हमें राइस खाना था तो पानी मेरे को डालना था, पर पानी गलती से कहो या कैसे भी कहो पानी ज़्यादा हो गया था. मैं मान रही हूँ कि पानी थोड़ा ज़्यादा था बट ऑलमोस्ट सब्ज़ी अच्छी बनी थी, ऐसे कोई पानी की वजह से फ़र्क नहीं पड़ा. और थोड़ा गाढ़ा रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता बट कोई बात नहीं. और उसके बाद यहाँ पर हमारा सब्ज़ी जब तक उबलेगी
और हमारा ये चावल भी हम लोग इसे पानी निकाल लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे और फिर अपना खाना एकदम मस्त तरीके से खाएंगे। खाना एकदम रेडी हो गया है और खुशहाली को अभी ट्यूशन निकलना है तो हमने सबसे पहले उसको दे दिया है। और यश का भी ट्यूशन से अभी वो आया नहीं है, सुबह 10 बजे का गया है क्योंकि इन दोनों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। यश का कल है, खुशहाली के 18 तारीख से हैं तो इनके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है। और बस इन्हें लंच दिया, उसके बाद जैसी रोटी बन जाएंगी, दीदी बना रही है रोटी, उसके बाद हम लोग साथ में बैठ के, या साथ में नहीं तो मैं आपके साथ बैठ के लंच कर लूँगी और मैं दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया मैंने खुशहाली को, क्या क्या दिया है। मेरी हमारी खुशहाली, खुशहाली हाय बोलो। खुशहाली बहुत टाइम नहीं है, तो शायद पर टाइम नहीं है पर मैंने उसकी तरफ से हाय बोल दिया है। ये रोटी, चाप और रायता। बड़ी थालियों में खाना पसंद नहीं है उसको, ऐसे पसंद है ऐसे छोटी छोटी थाली में खाना, कहती है छोटी थाली में खाते छोटा खाते हैं, कम खाते हैं, बट हम लोग प्रॉपर ऐसे थाली में खाते हैं। वो सबकी अपनी चॉइस है। तो इसके बाद खुशहाली अपना होमवर्क भी कर लेगी और तब तक यहाँ पे बैठ के साथ साथ में खाना भी खा लेगी, मैं भी थोड़े ऐसे टेस्ट कर लूँगी। ये जीत मार कर लो। माई फूड इज़ हेयर, मेरा खाना आ चुका है और मैंने ये वाली थाली में ले लिया क्योंकि वो वाली थाली ना यूज़ थी सारी, धुली हुई नहीं थी, मेरा मन भी नहीं था अभी बर्तन धोने का कि मैं एक बर्तन धोऊँ फिर खाऊँ, तो मैंने वाली थाली ले ली। वैसे ये मेरी शूट वाली थाली है, अगर आप नहीं देखते तो मेरे शॉर्ट्स जो आजकल मैं डालती हूँ व्हाट्सएप में थाली टूटे वाला एंड वो देखो जाओ। और उसके बाद मैं लंच करूँगी, उसके बाद मुझे बहुत सारा मेरा GA का पढ़ना है, हमारे सर ने कुछ नोट्स लिखवाए तो वो मुझे लर्न करना है। और मैं बता देती हूँ क्या क्या बनाया खाने में, तो मैंने ही बनाया चाप बनाया है, चावल है, रायता है, रोटी मैंने ली नहीं, एक्चुअली हम लोग पहले चाप खाते ही नहीं थे जस्ट बिकॉज उसका टेक्सचर थोड़ा ना नॉनवेज की तरह लगता था इस वजह से। बट एक बार हम लोग घर पे लाए, मम्मी घर पे नहीं थी, मम्मी एंड पापा एक दिन के लिए बाहर गए थे, तो मैंने बोला चलो मैं चाप बनाती हूँ, मम्मी भी नहीं है, मम्मी बहुत ऐसे कहती कि वो ये ऐसे वैसे, मैंने बनाया बहुत ही अम्मी लगा, थोड़ा सा बचाया भी था हमने, मैंने मम्मी पापा को टेस्ट कराया, मेरे पापा वैसे भी खाते थे बाहर चाप एंड मेरे पापा ने पहले ही बोल रखा था खाओ अच्छा लगता है, बट मेरी मम्मी नहीं खाती थी तो मैं हाथ से ही खा लेती हूँ। तो क्या हुआ ना कि हमने मम्मी को टेस्ट कराया तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा, तो हमने बोला कि चलो मैं आज से बनाएंगे, तो तब से हमारे घर में चाप की एंट्री है। रायता टेस्ट करते हैं, रायता भी बहुत अच्छा बनाया क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने बनाया। रायता बहुत बेसिक बनाया तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर की, मैंने आज तक पाइनएप्पल रास्ता नहीं खा, रायता नहीं खाया, रास्ता पाइनएप्पल रायता नहीं खाया, मुझे खाना भी है एक बार बनाना भी है। मुझे ना ऐसे फ्राइड चाप बहुत पसंद है, जैसे सूखा तल के खाते हैं ना वो वाली, मेरी बहुत सारी फ्रेंड ना रोटी से चाप खाती थी, बट हम तो हमें बिहारी, हमें तो हर चीज़ के साथ चाहिए क्या, चावल। अभी मैंने लंच कर लिया है और लंच बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और बहुत ज़्यादा हैवी भी था, और लंच करने के भी मुझे 1.5 घंटा हो गया, मैंने अपना करंट अफेयर्स लर्न कर लिया। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, मेक श्योर कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड मतलब मेरी यूट्यूब वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, एंड ऑफकोर्स मेरी इंस्टाग्राम आई डी पर जाओ khushisena66202, वहाँ जाओ मुझे फॉलो करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। स्टे विद मी, स्टे विद केपी सिनॉग्स, बाय बाय।